पहले उ आ ना जास विधानसभा में उ आ जास, अब डर के मारे आई हैं कि ना आई हैं, लेकिन हमने के तना उनके पास तो बेटी बहू बा ना बेटी बा ना मेहरारू बा, उ तो बंठा बंठे के सोता है तो उनको फूल जाता है तो निकाल के फेंक देता है। नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन वाले बयान पर बिहार में बवाल मचा है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई खूब हंगामे हुए हैं, बवाल मचा। इस बीच बीजेपी की महिला विधायक एक एक कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रही है, प्रहार कर रही है नीतीश कुमार पर। अब भाजपा की विधायक भागीरथी देवी ने भी निशाना साधा है। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी जमकर वार किए हैं भागीरथी देवी ने। जरा सुनिए भागीरथी देवी को। नीतीश कुमार जैसे कहला ना जा विधानसभा में वो आ जा, अब डर के मारे आई हैं कि ना आई हैं, लेकिन हमने के तना छोड़े उनका तो दिमाग घसक गई बा। नीतीश कुमार के दिमाग घसक गई बा कि पूरा बिहार के बेटी बहू के इज्जत मिट्टी में मिला दे। उनका पास तो बेटी बहू बा ना, ना बेटी बा ना मेहरारू बा, उ तो बंठा बंठा नीतीश कुमार बंठा। आ दूसरा के देख के उनका जलन होता, कहता लड़का सब लड़की मोहब्बत प्यार करती है तो ले के घूमती है आ ले के सोता है तो उनको फूल जाता है तो निकाल के फेंक देता है। अरे बस शर्मिक शर्म है, नीतीश कुमार का ऐसा बोलना चाहिए? तेजस्वी यादव तो बकलोलवा है, बकलोलवा वो का जानते है तेजस्वी यादव, अपने जाके इन्होंने ब्याह को आ गया। तो भाजपा की विधायक भागीरथी देवी को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार के बयान पर बिहार में बवाल मचा है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार कल विधानसभा के अंदर जातीय जनगणना पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन जातीय जनगणना पर बोलते बोलते नीतीश साक्षरता दर और जनसंख्या पर जब पहुंचे तो नीतीश कुमार ने वहां इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया कि तमाम सदन के अंदर मौजूद महिलाएं जो हैं वो शर्मा गई। नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पर कहा, कह रहे भाई सदिया के बाद रतवा में तो लड़कवा लड़कियां सोते ही है ना, लेकिन आगे नीतीश कुमार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके बाद बिहार विधानसभा नहीं बल्कि नीतीश कुमार की किरकिरी पूरे देश भर में हो रही है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि नीतीश कुमार के इस बयान की निंदा सोशल मीडिया के जरिए लोग खूब कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनके शब्दों से उनके बातों से सदन के अंदर मौजूद महिला विधायक हो या फिर कोई भी हो जिन्हें दुख पहुंचा है या फिर देश के लोगों को दुख पहुंचा है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि उनका कहना गलत नहीं था। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।